हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की हमारी क्लास जो है फिजिक्स की, रेगुलर करते हैं पिछली टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आज अगला टॉपिक हमारा, टॉपिक का नाम अभी आपको बता देंगे। पिछली टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से क्लियर की होगी, तो वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये हमारा मेन चैप्टर है जो कि कंटिन्यू चल रहा है ना। तो वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरी वीडियो मैंने, तीसरी वीडियो और शायद पार्ट वन पार्ट टू आपका आ गया, ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य को हमने देखा कि कार्य के होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, कि जब हम बल लगाते हैं तो विस्थापन होना जरूरी होता है, तो किया गया कार्य है। ठीक है, तो अब हम आज की टॉपिक देखेंगे ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी, जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारे एनर्जी होते हैं, एनर्जी अलग अलग प्रकार करते हैं। तो एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। तो आप लोग यदि एग्जाम में लिखेंगे तो लिखेंगे किसी भी वस्तु के कुल कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आप क्षमता कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इस पहाड़ को चढ़ने के बोला, चार बच्चे हैं, तो कोई एक घंटा में चढ़ेगा, कोई दो घंटा में, कोई आधा घंटा में और कोई तीन घंटा में। तो जो जितना ज़्यादा समय लगेगा उसकी क्षमता उतनी कम होगी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो जितना समय लेगा, ये समय डिपेंड करता है। कोई सीढ़ी को 10 मिनट जल्दी चढ़ जाता है, कोई सीढ़ी को आराम से चढ़ जाता है। तो इसकी क्षमता बोलते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई छोटा बालक है, कोई जवान है, कोई वृद्ध है, तो ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो टोटल या कुल क्षमता होती है उसको हम एनर्जी या ऊर्जा का नाम देते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या लिखोगे, कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, क्लियर। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई वस्तु, कोई बॉडी अपनी अवस्था में, अवस्था का मतलब हमने अभी डिक्लेयर किया था, कोई भी वस्तु अपनी किसी अवस्था में जितना कार्य कर सकती है उस अवस्था में उसकी ऊर्जा का नाम देते हैं। क्या लिखोगे, कोई वस्तु अपनी अवस्था में या किसी अवस्था में जितना भी कार्य कर सकती है वही इस अवस्था में उसकी ऊर्जा होती है। एवरी बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क पोसेस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अभी आपको देखते हैं। ए बुलेट, बुलेट गन, गोली। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, ये क्या करती है, भेद देती है किसी भी टारगेट को। दूसरा नेल, खीला। नेल इज इंसर्टेड इनटू ए वॉल विद द हेल्प ऑफ हैमर। क्या होता है, ए नेल इज हैमर्ड या इंसर्टेड इनटू ए वॉल विद द हेल्प ऑफ हैमर। विंड माने हवा, विंड इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, किसको रोटेट करते हैं, विंड वॉल को, है ना। या बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य में क्या करती है, घुस जाती है। स्प्रिंग वाली घड़ी में चाबी बढ़ते हैं, है ना, तो उसकी जो नीडल है, सुइयां है, चलने लगती हैं। ठीक, तो ये सब उदाहरण से हमको क्या जानकारी मिलता है, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिया, इन उदाहरणों से हमको यही ज्ञात होता है, यही जानने होता है कि प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक, उसकी अवस्था की क्षमता होती है कैसे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की अपनी एक क्षमता होती है। तो कोई वस्तु अपनी अवस्था में जितना कार्य कर सकती है वही उस अवस्था में उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, वही उसकी ऊर्जा होती है। जैसे आप खाना खाते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि आप थक जाते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो जब किसी वस्तु की ऊर्जा खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है,
तो कार्य करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाता है ना। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो कार्य करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमको प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, तो ऊर्जा का जो मेजरमेंट है, द मेजरमेंट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कार्य की मात्रा से भी की जाती है, कार्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वर्क। अतः माने ऊर्जा की माप कार्य की मात्रा से ले सकते हैं, तो ऊर्जा के जो मात्रक होंगे क्या होंगे, वही कार्य के मात्रक होंगे। ठीक, ऊर्जा के मात्रक वही होंगे जो कार्य के मात्रक हैं। तो ऊर्जा का मापन हमको उस कार्य से करेंगे जो अपनी इनिशियल कंडीशन माने वर्तमान स्थिति से किसी वस्तु की अंत स्थिति में आने तक करती है। ठीक है, क्लियर। किसी वस्तु में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी गति, स्थिति या विन्यास कारण, क्या लिखोगे, किसी भी वस्तु में उसकी गति, पोजीशन या विन्यास कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी, लिखो, यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति, स्थिति या विन्यास के रूप में जो ऊर्जा होती है वह उसकी यांत्रिक ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजिशन और कॉन्फिगरेशंस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो क्लियर हुआ आप लोगों को ऊर्जा का, ऊर्जा का यह टॉपिक हमको क्लियर हुआ। तो ऊर्जा के जो प्रकार होंगे, ऊर्जा के कितने प्रकार होंगे, तो ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है, जैसे मैंने लिया है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखे, तो ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल, है ना। द एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या डेफिनेशन दोगे, आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, द एनर्जी पॉसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू इट्स मोशन, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू इट्स पोजिशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, छोटे क्लास से पढ़ते, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप, क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस माप से की जाती है जो कि वस्तु अवरोधी बल के कारण गंत्यावस्था से विरामावस्था में आते तक करती है। ठीक है, लिख लिए, अच्छे से लिखिए। तो किसी वस्तु की जो टोटल जो एनर्जी होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से योग के बराबर होती है। तो जैसे बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, बंदूक से दागी गई गोली, रेलगाड़ी, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको मिटा दें, छोटे क्लासों में हम पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, द हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का हम गतिज ऊर्जा का दो हम देंगे, इसमें दो मेथड देंगे, दोनों मेथड में किसी एक मेथड को आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इजियर, जो नाइन्थ क्लास से आपने। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी गिवन आइदर फॉर्म, लिखिए, चलिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी, ठीक,
कैसे कर सकते हैं? तो काइनेट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम, नंबर वन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी, ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी। यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकने में जितना कार्य किया जाता है। नंबर दो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में उसको गति देने में जितना कार्य किया जाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन हुआ। अब हम फर्स्ट मेथड से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है, फार्मूला जो है निकालेंगे। क्लियर? कंसीडर, क्या लिखोगे? कंसीडर ए ऑब्जेक्ट या बॉडी मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी। कंसीडर क्या लिखोगे? बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है, और वी वेग से चल रहा है। लेट अ फोर्स बी अप्लाइड, क्या लिखोगे? अप्लाइड फोर्स, लेट अ फोर्स अप्लाइड ठीक है। मान लो कोई बॉडी जिसका मास एम है, वी वेलोसिटी से मूविंग कर रही है, अब उस पर हमें चलती ही वस्तु पर एक बल लगाते हैं, ठीक है, क्या लिखोगे? अप्लाइड फोर्स ऑन इट्स विच प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन ए, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रिटार्डेशन, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन ए, ठीक। चलते ही वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं ना, तो त्वरण की जगह हमको मंदन उत्पन्न होता है, ठीक, उसकी वैल्यू, अचानक कोई गाड़ी चल रही है अगर रोकेंगे तो त्वरण की जगह मंदन उत्पन्न होता है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना, अंतिम वेग शून्य हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे? विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन ए इन द बॉडी एंड द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ए, है ना, कितना हो रहा है? कवरिंग डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस, मान लो कोई बॉडी जिसका मास एम है, मूविंग विथ वेलोसिटी वी है, जब वो एक समान वेग से बह चल रही है, जब इस पर हम एक बल लगाते हैं तो वस्तु में मंदन उत्पन्न होता है, वस्तु कुछ दूरी तक चल के क्या होती है? रुक जाती है, ठीक। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य रहता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? जब हम वस्तु में बल एफ लगा रहे हैं और वस्तु कुछ दूरी तक चल के रुक जाती है, त्वरण की जगह मंदन रह रहा है, हर कितना दूरी तक चलती है? एस दूरी तक, कितना बल लगा रहे हैं? एफ, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, क्या हो जाएगा? क्लियर? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम यहाँ लगाएंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थोड़े क्लास में हम कर चुके थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, जो वर्क हो जा रहा है, है ना, फोर्स एफ लगा रहे हैं, एस दूरी ट्रेवल्स करके रुक जा रहा है, तो ये बल जो है न्यूटन की गति की, इसकी वैल्यू को हम इसे पुट करेंगे, तो डब्ल्यू हमारा वर्क कितना हो जाएगा? एम ए और ये एस, क्लियर? क्लियर? देखिए, जब कोई वस्तु चल रही होती है और हम उसमें क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो वस्तु चल कर रुक जाती है, उसमें त्वरण की जगह मंदन उत्पन्न होता है और अंतिम वेग शून्य हो जाता है, और न्यूटन की गति का हम थर्ड नियम को लगाते हैं, ओके, अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड
लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण की जगह मंदन होता है, वी जीरो हो जाएगा, ए की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस ए। कोई डाउट? क्लियर? और यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बताया, जब किसी वस्तु में ब्रेक लगाते हैं या रोकते हैं तो अंतिम वेग शून्य हो जाता है, त्वरण की जगह मंदन उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी स्थिति में न्यूटन की गति का थर्ड नियम यूज करेंगे। लिखिए जीरो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस टू माइनस ए और एस, तो ये हो जाएगा जीरो, वी स्क्वायर माइनस टू ए एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस, तो इसको लिख देते हैं वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए एस। अब ये जो इक्वेशन हमने फर्स्ट निकाला था, इस ए एस की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग इन वन, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एम और एस की जगह वी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, कितना हो जाएगा W इक्वल टू वन बाय टू एम वी स्क्वायर। आया ये, यही काइनेटिक एनर्जी का क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर? उतार लीजिए। अब हम देखेंगे एक दूसरा नियम। एक ही नियम से काम चला लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, दूसरा नियम से मतलब नहीं है, सब एक ही है। ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकला है ना, इसको के से डब्ल्यू को, द वर्क डन इज स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको निकलते हैं के इक्वल टू हाफ। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी बातों पर डिपेंड करता है, नंबर वन के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और दूसरा के इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा मास, जब उतना ज़्यादा होगा तभी होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मार्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, है ना। यदि मास और वेग दोनों पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इफ काइनेटिक इन योर बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इट वेलोसिटी एंड द इंक्रीज इन मास, दैट इज वाई ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन पॉसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इवन थ्रू इट्स मास इज वेरी स्मॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट पेनेट्रेट्स द टारगेट ऑफ ए लार्जर डेप्थ। ठीक, क्लियर हुआ? यदि मैंने ये कहा कि मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यदि इसका दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। और यही कारक है कि जब बंदूक से हम गोली को फायर करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इतनी तीव्र होती है और बंदूक का मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है, और जाके ये लक्ष्य पर आसानी से डीपली इंसर्ट कर जाती है। क्लियर हुआ? सेकेंड मैटर भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कंडीशंस हैं हमारे पास, बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हेडिंग डाल दीजिए, इसको उतार लीजिए। अगला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अरे एनर्जी मीटर क्या,
प्रतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम संवेग। मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और यह v वेग से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। लिख दें, लेट द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लेट द बॉडी, क्या लिखोगे, लेट द बॉडी मास m एम मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। मास m, मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितना है, वी है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको पी से व्यक्त करते हैं, पी इक्वल टू एम वी, देन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई एम। ठीक, जब बॉडी मोशन कर रही है तो कुछ उसमें एनर्जी होगा, जब बॉडी मोशन करती है तो एनर्जी होगा, विच टाइप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, के इक्वल टू, अभी मैंने निकाला हाफ एम वी का स्क्वायर। अब ये मोमेंटम में जो वेलोसिटी मैंने निकाला था इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, के इक्वल टू वन बाय टू एम और पी बाय एम का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू वन बाय टू एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर, एक एम कट गया तो के इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम, या पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम के, या पी इज इक्वल टू रूट ओवर एम के। ठीक, ये हमको रिलेशनशिप आ गया किसके किसके बीच, रैखिक संवेग और उसकी गतिज ऊर्जा में। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखेंगे द इम्पॉर्टेंट केसेस, इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट केसेस देखेंगे। क्लियर हुआ? छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। पहला इम्पॉर्टेंट केसेस, क्लियर, पहला नंबर लिख लो इंपॉर्टेंट केसेस में। पहला नंबर, यदि दो वस्तुओं के वेग समान हैं तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला लिखा, पी कट रूट ओवर टू एम के। यदि दो वस्तुओं के, लिखिए, यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो, क्लियर, व्हेन द टू बॉडीज हैव सेम मोमेंट, ठीक है, यदि दो वस्तुओं के, हेडिंग डाल लीजिए, कैडिंग है व्हेन टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम। ठीक है, देखिए स्पेशल केसेस में देखेंगे, यदि दो वस्तु हैं जिसके संवेग समान हो, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ए है ना, इसका मास कितना ले लेते हैं हम,
एम ए, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बी, इसका मास कितना ले लेते हैं हम, एम बी, ठीक। मूविंग विथ वेलोसिटी कितना कर लेते हैं, मूविंग विथ वेलोसिटी कितना हो जाएगा वी ए, ठीक। और ये कितना मूव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन करता है वी बी, ठीक। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, जब वेलोसिटी मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ऑब्जेक्ट बी की, के बी। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू रूट ओवर टू एम ए के ए। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी बी इक्वल टू रूट ओवर टू एम बी के बी। क्लियर हुआ। दो बॉडीज हैं जिनके मोमेंटम इक्वल है, तब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मोमेंटम इक्वल, ठीक है, मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, टू एम ए के ए इज इक्वल टू टू एम बी के बी। अब देखिए दोनों का रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एम ए के ए इक्वल टू टू एम बी के बी। टू टू कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, एम ए के ए इक्वल टू एम बी के बी। तो एम ए को हम वैसे ही रखें, ये एम बी को नीचे लाए, ठीक है, ये के बी ऐसा हो गया तो के, ठीक। इट इज क्लियर दैट मीन्स एम ए इज ग्रेटर देन एम बी। यदि ए का मास अधिक है बी से तो क्या हो जाएगा, के ए इज लेस देन के बी। क्लियर। जिसका मास अधिक होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दो वस्तुओं के सापेक्ष सांद्रता हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक है ना। अब जिसका मास अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। क्लियर दैट इफ टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम देन द लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लिया था है ना, इसको हैवियर बॉडी, इसको हैवियर बॉडी भी ले सकते हैं, इसको लाइटर बॉडी भी ले सकते हैं। इट मीन्स दैट मोर मास या मैक्सिमम मास, जिसका मास मैक्सिमम होगा बी लेस काइनेटिक एनर्जी है ना, मास ज्यादा होने पर गतिज ऊर्जा कम होगी। क्लियर दैट, उतार दीजिए। अब अगला लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इसको ता लीजिए, इसी में समझा देंगे। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक हमारा है व्हेन टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लो बॉडी ए है, इसका मास कितना है, एम ए है, वेलोसिटी भी है, काइनेटिक एनर्जी के, चलिए के ही लेते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी के, और इसका मोमेंटम कितना है पी ए, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा पी बी। सेम वैसे लिखना है,
क्लियर। अब पी ए इक्वल टू पी बी, काइनेटिक एनर्जी सेम लगा ली हम, स्क्वायरिंग किए। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू रूट ओवर टू एम ए के और इसका हो जाएगा पी बी इक्वल टू रूट ओवर टू एम बी के। कोई डाउट? कर लीजिए यहाँ पर, साथ में चलिए, साथ में चलिए, चलिए डिवाइड कर देते हैं। उसमें हम क्या किए थे, इक्वल किए थे, अब इसे हम डिवाइड करते हैं ना, इधर करते हैं। पी ए अपॉन पी बी टू एम ए के टू एम बी के, तो इसको हम के को काट सकते हैं ना, पी बी ऐसे निकालेंगे टू एम ए के और टू एम बी के कट गया, टू टू कट गया, तो हमको आ गया पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू, है ना, अलग अलग भी लिख सकते हैं एम ए अपॉन एम बी। क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या इसका निकला, द टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द लाइटर बॉडी विल स्मॉलर मोमेंटम, है ना, लाइटर बॉडी स्मॉलर मोमेंटम देन ऑफ द हैवियर बॉडी। हल्की वस्तु का संवेग कम होता है किससे, भारी वस्तु के संवेग से। क्लियर। अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, मिटा दीजिए, क्या देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारी 32 मिनट की वीडियो हो गई है, तो क्लियर। देखिए वीडियो समझ नहीं आए तो उसको रोक रोक के उसको आप देखिए। अगला टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, हेडिंग डाल लीजिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या डालेंगे, कार्य ऊर्जा और प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर, इसका डायग्राम सहित बनाएंगे। हाँ, कार्य ऊर्जा प्रमेय, अभी हम थ्योरम देखेंगे। तो क्या होता है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य होता है, किसी भी वस्तु पर जो लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, मान लो किसी वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूँ, बल लगाने में कुछ कार्य करता है, ये कोई वस्तु है, इस पर मैं फोर्स लगाया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, तो ये जो किया गया कार्य होता है, अब ये
इस पर मैं बल लगाऊंगा, कुछ कार्य करूंगा, इस बल के कारण माँ देखो तो गाय को, गाय देखो गाय, मान लो किसी वस्तु पर जब बल लगाऊंगा तो मैं कुछ कार्य करूंगा, और ये किए गए कार्य का क्या रिजल्ट होगा, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। मैं लगाया गया बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो एक कार्य होता है, उस कार्य का रिजल्ट क्या होता है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर, इसके लिए दो केस हैं, पहला है वेरिएबल या कांस्टेंट, पहला है कांस्टेंट फोर्स और दूसरा है वेरिएबल फोर्स। ठीक, इसमें केस फर्स्ट देखते हैं, क्या देखेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, पहला केस क्या है, फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, केस फर्स्ट। अचर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु बल लगाने से कार्य होता है, इसके प्रतुप वो कार्य गतिज में परिवर्तन होता है। ठीक, क्लियर हुआ, तो इसके लिए हम पहला है केस वन, अचर बल द्वारा किया गया कार्य। क्लियर, चलिए लिखिए जल्दी से, हमारी 35 मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा 10 मिनट की और बनाएंगे। लेट अ बॉडी, माना कि कोई वस्तु, लेट अ बॉडी मास एम, बार बार वही लिखते थे, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना एम है, मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वह एक समान वेग वी से बह रही है। ठीक है, इट इज एक्टेड, क्या लिखोगे, इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एफ, यदि हम उस पर एक बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है एम है, वी वेग से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जब उस पर हम क्या करते हैं बल एफ लगाते हैं, एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या होता है, वेलोसिटी बिकम्स वी आफ्टर ए डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंसेस। मान लो कोई बॉडी है, बॉडी हैविंग मास कितना है एम, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी टू यू, अप्लाइड फोर्स, फोर्स एक्टेड, अप्लाइंग फोर्स एफ वेलोसिटी बिकम बी। क्लियर, जब उस वस्तु पर हम बल एफ लगा रहे हैं, इफ है इज एक्टेड अपॉन इज इफ एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एफ एंड एज रिजल्ट इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एच, ट्रेवलिंग डिस्टेंस एच। कोई डाउट यहां तक देख लीजिए, अच्छे से लिख दीजिए, फिर से सुन लीजिए, है ना, तब हम क्या करेंगे, न्यूटन के गति का समीकरण, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगाएंगे। ठीक है, और फिर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, फिर वर्क डन लगा के हमको निकल जाएगा। क्लियर, क्लियर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, क्लियर, अब जब वस्तु पर हम बल एफ लगा रहे हैं, वस्तु का वेग यू से
वी हो जा रहा है, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस क्या होकर एस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। कोई डाउट, देखते रहिए। अब इसमें हम एस निकाल लेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इज इक्वल टू एस। ये क्या हो रही वस्तु, एस डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जा रही है। अब मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु पर हम बल एफ लगाते हैं, तो जो बल लगाने में जो किया गया कार्य है उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जब हम बल एफ लगा रहे हैं तो वस्तु एस डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू एफ एस। हम कोई वस्तु जो जिसका द्रव्यमान एम है, एक्स मान वेग यू से गतिशील चल रही है, बल एफ लगा रहे हैं, वस्तु का वी हो जा रहा है और एस डिस्टेंस ट्रेवल रुक जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। अब इस हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, डब्ल्यू इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड और इसके इक्वेशन थर्ड। थर्ड में हम फर्स्ट की वैल्यू को पुट करेंगे, एम ए एस। कोई डाउट, ठीक। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फिर हम थर्ड में यूज करें W इक्वल टू एम ए और S की वैल्यू कितना है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, W इक्वल टू एम और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। अब इसको M को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमको मिलता है एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू। तो हमको मिल जाएगा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, तो K इक्वल टू मिल जाएगा वन बाय टू एम वी स्क्वायर माइनस वन बाय टू एम यू स्क्वायर। तो ये वन बाय टू एम वी स्क्वायर क्या गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर जे क्लब इनिशियल काइनेटिक। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में काफ़ी आसान था, इजी टर्म था, क्लियर। तो 42 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है, और इसका है ना सेकंड केस है, इसी का केस फर्स्ट है, वेरिएबल फोर्स के लिए हम बता देते हैं, है ना, जल्दी से लीजिए, फ्रॉम ए वेरिएबल फोर्स, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, 10 मिनट की और वीडियो होगी, चलिए बता लीजिए। सेकंड केस फॉर ए वेरिएबल फोर्स, मिटा दें, फिर से लिखते हैं, या कांस्टेंट की जगह क्या होगा, वेरिएबल, फॉर ए वेरिएबल फोर्स, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना होता है, वन बाय टू एम वी स्क्वायर, है ना, काइनेटिक एनर्जी बॉडी हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट, अब हम दोनों तरफ इसका टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वो इक्वेशन, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी के और डी अपॉन डी टी कितना जाएगा, एम वी स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी के है ना, तो एम बाई टू डी अपॉन डी टी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का कितना होगा, टू वी डी अपॉन डी टी के इक्वल आप कितना हो जाएगा, एम बाई टू और ये हो जाएगा टू वी और डी वी बाय
डीटी। कोई डाउट यहाँ तक देख लीजिए। जब हम उस समीकरण का समय टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तब हमको ये कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर। अब टू और टू कैंसिल कर दीजिए। हमारा जो डिफरेंशिएशन था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी कितना आ गया, एम वी और डी वी बाई डी टी। हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। क्लियर। जब वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहाँ हम रख देंगे क्या, तो डी अपॉन डी टी के इज इक्वल एम वी ए। क्लियर। तो डी अपॉन डी टी के ये हो जाएगा एम ए और वी। क्लियर। तो ये जो निकल रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये फोर्स की वैल्यू है। तो d अपॉन डी टी के ये एम ए की जगह हम रख सकते हैं f इक्वल टू एम ए, तो हो जाएगा कितना, f v। कोई डाउट यहाँ तक है ना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये कंडीशन हमको मिल गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक। क्लियर। क्लियर। अब देखिए, जब v की जगह हम क्या रख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। तो d अपॉन डी टी के इक्वल टू f और डी एस अपॉन डी टी। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको बचेगा d के इक्वल टू f इंटू डी एस। जब विस्थापन का हम अवकलन कर देते हैं, है ना, तो हमको वेग का सूत्र मिलता है, इंस्टेंटियस में हमने पढ़े थे। क्लियर हुआ यहाँ तक आया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एस। लेट लिखे इनिशियली द पोजिशन एस इक्वल टू एन एस वन। जब एस इक्वल टू एस वन था, जब एस इक्वल टू एस वन था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के वन हो जाएगा। जब विस्थापन एस वन था, और जब विस्थापन बढ़ के एस इक्वल टू एस टू हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के टू हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में ये प्रॉपर लिमिट्स है ना। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, किसका, ये के वन, ये के टू डी के, ठीक है, एफ इंटू डी एस कितना हो जाएगा, एस वन और एस टू। कुछ नहीं तो एक मानते हैं, के हो जाएगा, ये हो जाएगा के टू, के वन ये हो जाएगा, एफ बाहर निकल जाएगा तो एस बचेगा, ये हो जाएगा एस टू एस वन। तो ये निकल जाएगा हमारा के टू माइनस के वन इक्वल टू एफ और एस टू माइनस एस वन। कोई डाउट यहाँ तक, तो इसको लिख सकते हैं हम, है ना, क्या लिखेंगे, W इक्वल टू के टू माइनस के वन, ये हो जाएगा W और F डेल S, है ना। क्लियर। कोई डाउट हो तो देखिए, W इक्वल टू क्लियर, इसको हम ना ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा के टू माइनस के वन और टू वर्क। क्लियर। तो इसको अपन डब्ल्यू इक्वल टू डेल के। कोई डाउट, तो हमको इस प्रकार निकल जाता है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो किया गया कार्य है, ये जो किया गया कार्य है, इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मैंने कहने का मतलब होता है, ये हमारा कार्य निकल गया और ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर जाता है। दस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। क्या लिख सकते हैं अपन, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के
बराबर होता है। अब इस प्रमेय के क्या लाभ है इसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम 50 मिनट की हो गई है, यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय तो उसका लाभ क्या होगा, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग हम उन समस्याओं को हल करने में करते हैं जहां पर परिणामी बल द्वारा किए कार्य की गणना करनी होती है परंतु बल विस्थापन का ज्ञान संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि गति ऊर्जा में कमी या वृद्धि ज्ञात हो, है ना, ऐसी स्थिति में क्या हो, यदि काइनेटिक एनर्जी में कमी हो रहा या ऊर्जा वृद्धि हो रहा हो तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, है? कार्य की गणना हम आसानी से करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप अगली वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करना न भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।